एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि लाइक आई वाज सेइंग फिल्म फेस्टिवल बहुत ज़रूरी होते हैं सिनेमा के लिए. यहाँ पे नए फिल्म मेकर्स जो हैं एमेच्योर फिल्म मेकर्स हैं उनको विदाउट एनी प्रेशर ऑफ बजट स्टार्स रिलीज़ रिकवरी बिना किसी चीज़ को सोचे हुए इट वर्क्स ऑन मेरिट. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. सो रियली एक्साइटेड रियली थैंकफुल दैट दे शोकेस्ड आवर फिल्म. थैंक यू सो मच. ओके, इसके अलावा ऐसी कोई फिल्म ये ईयर की जो बहुत ही अच्छी लगी जो आपको इंस्पायर की? इस ईयर की क्या फिल्म्स आए इस ईयर? राजी गली बॉय या दीज टू डेफिनेटली लव देम बोथ. ओके, गली बॉय की बात करें तो गली बॉय ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं फॉर फॉरेन लैंग्वेज फॉर फ्रॉम इंडिया. सो क्या लगता है इस बार जीत पाएगी? यार उम्मीद तो पूरी है, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस. आई होप वी कैन गेट द स्टैच्यू होम, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. यार आई थिंक अपने आप में नॉमिनेशन एक बहुत बड़ा ऑनर है इफ़ यू गेट नॉमिनेटेड इन ऑस्कर. सो वो एक बहुत अच्छी बात है. सो रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान ना देके आई थिंक वी शुड जस्ट सेलिब्रेट द फैक्ट कि इट्स बीन नॉमिनेटेड देयर. कैसे देखते हो सिनेमा जो पास जो 5 years या 10 years में जो बदलाव आया है, जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म आज के दौर पे बहुत ही मेन है? या सो उसके बारे में क्या सोचते हैं? या दैट्स हाउ इट शुड बी. आई थिंक हमेशा से लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लैक एंड वाइट ईरा, हमेशा से स्टोरीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था रादर देन स्टार कौन है, या तो कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया जाता था. आई थिंक बीच में कहीं हम अपनी राह भटक गए थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर कमिंग बैक, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स. तो बहुत अच्छा चेंज है नए फिल्म मेकर्स के लिए. डिफरेंट सिर्फ अभी मुंबई या दिल्ली की कहानियाँ नहीं, छोटे छोटे शहरों की कहानियाँ आ रही हैं. वहाँ पे लोग किन किन समस्याओं से जूझते हैं उनके बारे में चीज़ें आ रही हैं. तो बहुत अच्छा, इट्स अ वेलकम चेंज. आई रियली होप पीपल डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, और मेहनत करें, अच्छी फिल्म्स बनाएं, एंड आई एम श्योर ऑडियंसेस विल गिव देम अ चांस. ओके, लास्टली एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइक टू शेयर विद अस? और मिर्ज़ापुर की क्या स्टेटस है? जी, मिर्ज़ापुर की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आई होप जल्दी देखने को मिले. इट्स अमेज़न्स डिसीजन कब आता है कैसे आता है. तो बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं, कानपुर करके एक फिल्म है, सॉल्ट सिटी करके एक वेब सीरीज है. सो या इट्स ऑल हैपनिंग. थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. Oh, thank you. Okay, then it's in 10th year of Jagran Film Festival. So how excited are you to watch all the movies? I'm very excited. I think Jagran Film Festival is a very essential and vital part of the Mumbai landscape. And it gives an opportunity to many, many films, films that otherwise don't get chances to be screened. It's a very supportive environment for new filmmakers, and I'm very thrilled to be part of this festival this year. I've of course attended it in the past, but to be here with my own film and see myself on screen after like 1,050 years or something, it was felt good. Okay, yeah. Is there any particular movie you are excited to watch today or tomorrow? Well, I was very excited to watch The Odd Couple, and I'm going to go through the schedule and see what I can catch next. Okay, any movie that has inspired you in past 1 year? Any movie, Bollywood movie? Uri for sure, you know, for the story and just the passion and the story. And it just, I wanted to, you know, stand on the seat and sing the national anthem. And I wanted to like join the army after watching that movie. I found it so inspiring. Gully Boy for its content, for pushing the boundary of cinema. But I wish they had used real rappers instead of Bollywood stars. I wish they had had the guts to take those real rappers from Dharavi, because there are those people in Dharavi, and make a film about that. But I mean, I guess that'll be the next step. But I found that film fantastic. I think Zoya's quite genius. And these are the two films that come to mind immediately. Okay, so ma'am, how do you see the Bollywood, the movie has been made in past 10 years? I think definitely there's a change. There's quite a paradigm shift, I would say, from to move towards content, to move towards story. You know, you cannot bullshit the audience with just pretty frames and star power anymore. You need the stories, you need the content, and I think writer is becoming king. So I think it's a very, very positive and good change. Okay, ma'am, any upcoming project? Writer you'd or like queen. To share? Writer because is becoming queen. True. Yes. Okay, any upcoming project you'd like to share, because people wanted to see you very much?
Thank you very much. Actually, even this odd couple, I did just by fluke, frankly, because Prashant contacted me through Facebook and he was very persuasive. And I found his manner very simple and very, genuine and sincere. And I could not say no to him. So I'm very happy I did the film and I'm a part of this beautiful movie. And yes. And so now my daughter's just left for college in Boston. So I'm planning to get back to full-time work now because otherwise I'll sit at home and get bored. So yes, I'll announce my projects as and when they happen. Thank you. Pleasure, Bhavan. Thank you. Okay, ma'am. This is 10th year of Jagran Film Festival. So how excited are you to watch all the movies? I'm very excited. In fact, it's my first time here at Jagran Film Festival. I haven't actually been to many film festivals. I was just checking the list of movies and they're all so different. And I just felt like I should come and sit here the entire day and thoroughly watch all the movies. And that'd be very insightful as an actor to just like watch so much work. So yeah, I'm very excited to be here. And more than everything else, I'm so happy that our movie, Odd Couple, is being showcased here. So yeah. Okay, any particular movie you're very excited for? Or you can't miss? I have to say my own movie's name, right? It is Odd Couple for sure. Because it's also one of my first projects. Even before I did any acting workshop of any sort or anything, and I didn't know. And Prashant and Praneeth, these guys were there, and I'm glad they believed in me. And then there's a character for me to play, and I was like, I remember making calls to Prashant and being like, okay, are you sure she should do that? She doesn't do, like, doesn't she have a goal in life? And I was just talking about my character and discussing how she was. And she was a little different for me, so, you know, characterization and building everything, it was quite new for me. So it was overwhelming to actually then sit in the theater, watch it with a house full, and then people appreciate it. That's really very happy. Would you like to say something about your character from the Odd Couple? I don't know if I'm allowed to. Am I allowed to? No, I'm not allowed to. I am. basic? So, I think about the character, her name is Navi, and she is the age that I am now. When I'd done his, I was younger and there were a lot of new things for me. I think like she's very, very free spirited. She's just out there to explore everything. She's not very sure of what she wants in life. She's indecisive. And she's very like someone who's living in the moment. She doesn't really reflect back on the past and think of what she has done. Or like what the future is going to be like. It's very like everything's like in the moment for her, and hence when you watch the film, you'll see like she's just got these complacent moods to her. Sometimes she's rolling eyes, and she's like whatever. She's got the whatever expression in general in life, I think. Yeah, that's a little about the character. Okay, apart from this, any upcoming project you'd like to share with us? Oh yeah, the couple of projects happening. I'm working on 3-4 web series. Yeah, and one that we've already finished shooting, it's called Manphod Ganj Ki Binni. And Binni is so different from Navi. She's a Lucknowi girl and from a very small town. The genre is comedy. So yeah, that one I'm looking forward to. Thank you, best of luck. Thank you very much. ओके सर 10th ईयर है जागरण फिल्म फेस्टिवल का और बहुत ही अच्छा सेशन रहा स्टूडेंट लोग के साथ और जो भी यंगस्टर्स है तो कैसा रहा सेशन पहले तो ये जानना चाहिए नहीं सेशन में मुझे बहुत मज़ा आया और आपको मैं बताऊं कि ये जितने भी इस तरह की जो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ इंटरेक्शन का मौका मिलता है यूथ था पूरा तो मैं तो बहुत हमेशा इंजॉय करता हूँ इसलिए कि समटाइम एक्चुअली आप चौंकते हैं कि भाई आपके बारे में सब पता है लोगों को तो ये कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि ये हमने खुद ने भी नहीं सोचा तो इट वॉज़ अ प्लेजेंट वन टू क्वेश्चन कि अच्छा तो आपको कुछ सीखने का ही मौका मिलता है मेरा मानना है कि इस तरह के इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी भी है आपको भी पता लगता है आपकी वजह से कुछ लोगों को शायद कुछ सीखने का मौका मिले क्योंकि जो सीखना होता है वो कभी ज़िंदगी के अंदर ये होता है कि किसी का एक डायलॉग जो है वो आपको शायद वो सिखा सकता है जो आपको एक पूरी किताब आप साल भर पढ़ें तो नहीं सिखा सकते तो मुझे लगता है ये जो बात करना बहुत ज़रूरी है okay,
यंग टैलेंट जो आ रहे हैं और जो नई थिंकिंग है उसके बारे में क्या कहना चाहिए, जो आपके पहले के जमाने में जो थिंकिंग थी बहुत ही पुरानी थी, जो जैसे दौर चल रहा है। देखो अभी पहले के ज़माने में जो पुरानी थिंकिंग थी उस पर मैं इसलिए शायद नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आज का इंसान हूँ, आज का यंग डायरेक्टर हूँ, लेकिन हम जो यंग डायरेक्टर्स हैं और आज के नहीं, मैं अपना ऐसे ही बताऊँ कि मुझे लगता है कि आज के जो एक्टर्स हैं, जो यंग है, जो यंग राइटर्स हैं, यंग डायरेक्टर्स हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। एंड मुझे लगता है कि मेरी दुआ भी उनके लिए, बस मेरा यही है कि वो उतनी ही मेहनत से, ईमानदारी से, प्यार मोहब्बत से, पैशन से काम करें, क्योंकि ज़िंदगी में जब एक दो फिल्में लोगों की हिट होती है तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि थोड़ा बहक जाते हैं, थोड़ा सा वो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम कर लेंगे। नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको कॉन्स्टेंटली आपको अपने एकदम खड़ा रहना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि जिस तरह आज ये लोग आए हैं यंग, उसके पीछे एक लाइन लगी हुई है कलाकार लोगों की, और जो काबिल लोग हैं उनकी कमी नहीं है इस देश में, वो लोग आ रहे हैं। अगर आपने काम ठीक नहीं किया तो आपको रौंद के आगे चले जाएंगे, लोग उनके साथ चले जाएंगे। तो अगर आपको ऊपर वाले ने कुछ दिया है, आपने मेहनत करके एक जगह बनाया है, एक नाम बनाया है, उस नाम तक पहुँचना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उस जगह पर टिके रहना, इसलिए कि उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी जो मूवीज बन रही हैं सर, और आप मोर देन टू डेकेड से भी है, सो मूवीज जो बन रही है आज के टाइम पे कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, और नहीं नहीं बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी लगी मुझे, मुझे बधाई हो बहुत अच्छी लगी, मुझे बरेली की वरी भी बहुत अच्छी लगी, मुझे ड्रीम गर्ल अच्छी लगी, मुझे स्त्री बहुत अच्छी लगी, मुझे न्यूटन बहुत अच्छी लगी, मुझे उसका काम स्पेशली राजकुमार राव का न्यूटन में और ये बरेली की वरी में आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस, एंड बड़ा नया कॉन्सेप्ट था, अच्छा लिखा था उन लोगों ने। तो आज जो इस तरह की फिल्में बन रही है, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि एक तरफ जो है इस तरह की फिल्में भी हिट हो रही हैं, उरी इस तरह की फिल्में भी हिट हो रही हैं, और एक तरफ जो है अगर आपने अच्छी फिल्में बनाई हैं आज, और जैसे बजरंगी भाईजान, आपके दंगल, वो बड़ी फिल्में हैं, वो बड़ी फिल्में भी चल रही हैं, इस तरह की फिल्में भी चल रही हैं, बायोपिक भी चल रही हैं, तो मुझे लगता है हर वो चीज़ जो बहुत अच्छी बन रही है वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये इतने अच्छा मौका इस साल तो मुझे लगता है बहुत सारी फिल्में चल रही है। तो आई विश के ये जो समय चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, ये फिल्म लाइन का हमेशा ऐसा चलते रहे, और मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मुझे लगता है ज़रूर चलेगा, बस हम लोगों को अच्छी फिल्में और बहुत अच्छी फिल्में बनानी होंगी। सर, गली बॉय मूवी नॉमिनेटेड हुई है ऑस्कर में, से इस पर आप क्या बोलेंगे? मुझे बहुत खुशी है, मैंने फिल्म देखी, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, एंड आई विश के भाई वो फिल्म जो है सिलेक्ट हुई है, वही बहुत बड़ी बात है, और वो बिल्कुल उसको जो हक उसका है वो मिले, एंड बहुत प्यारी पिक्चर थी। मुझे आलिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, रणबीर वॉज फैंटास्टिक, एंड जोया अख्तर, ये सारे लोगों ने बड़ा खूबसूरत काम किया, एंड फिल्म देख के आपको लगता है कि नहीं, इसके पीछे कितनी मेहनत की है। सर, बहुत ही जल्द पागलपंती आने वाली है, और आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रितेश देशमुख ने स्पेशली कहा कि थैंक्स का कि पोस्टपोन जो किया गया है रिलीज डेट, उसके लिए बहुत थैंक आर, जो देखिए ये भाईचारा होना चाहिए, अगर हम एक दूसरे के साथ अगर इस तरह नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे, हमारे यही परिवार है, हमारे यही लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, मैं तो आपको बताऊं कि हर फिल्म में चाहे कुछ कमाऊं नहीं कमाऊं, मैं 4-6 दोस्त ज़रूर कमाता हूं, इसलिए मुझे लगता है यही मेरी असली कमाई है। आज रितेश जस्ट मतलब इतने अच्छा, उसके अलावा रितेश के अलावा उस फिल्म से काफ़ी जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारे दोस्त हैं, और जब हमको ये पता लगा कि भाई वो चाहते हैं कि ऐसा ऐसा करें, तो मुझे लगा कि हमारे लिए भी थोड़ा अच्छा है कि हमारी फिल्म के अंदर स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत है, और मुझे लगा कि एक डायरेक्टर को ये होता है कि कैसे 2 दिन और मिल जाए, भाई चलो मैं अपनी फिल्म को और अच्छा संवार लूँ, तो वो एक कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर तो होता है एक डेट जब हम अनाउंस करते हैं तो उसमें ये लगता है कि करना ही है करना ही है, लेकिन अगर कोई बहुत प्यारा बहाना मिल जाए, और ऐसा प्यारा बहाना जो दोस्ती यारी का हो गया यार हमने ये किया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत खुशी से कहा कि यस ठीक है, अच्छी बात है, हम 22 को आते हैं, थोड़ा वक्त और मिल जाएगा, बट हाँ ये सारे लोग जो है बहुत दोस्त हैं, और मेरी सारी दुआएँ हैं कि ये जो 8 तारीख को पीछे लग रही है ये ज़रूर कामयाब हो। प्रकाश जावड़ेकर, यूनियन मिनिस्टर फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ने सिलेक्ट किया अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने के लिए, सो इस पर आप क्या बोलेंगे?
इससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती। मुझे लगता है अगर उन्हें नहीं मिलेगा व्हाट और किसे मिलेगा। आज मैं आपको बताऊं कि मैं अमिताभ बच्चन साहब का इतना बड़ा फ़ैन रहा हूं और शायद मैं सारी ज़िंदगी रहूंगा। मैं जब अमित जी की फिल्में लगती थी तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता था कि वो फिल्म अच्छी है, वो फिल्म बुरी है, वो फिल्म छोटी है, बड़ी है, उसमें कौन हीरो है, कौन हीरोइन है और डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है। मैं सिर्फ इसलिए फिल्म देखता था कि वो फिल्म में मेरे जो फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन हैं वो हैं, और मैं वो फिल्म एक बार नहीं देखता था, मैं कई मरतबा देखता था। तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई हकदार ही नहीं है और बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। ओके अनिल जी, लास्ट सवाल, अमिताभ जी की बात चल रही है तो ऑन बोर्ड आखिर टू का क्या सीन? आखिर टू का मुझे पता लगेगा, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो सारी तैयारी कर रहे हैं। बट इट विल बी अ प्लेजर टू वर्किंग विद अमित जी एंड आई ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे उनके साथ काम करना है, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी और आई होप कि सब कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।